हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय चैनल्स नेम इंडियन मॉम मानवी चौहान। और आज का जो मेरा वीडियो है ये कंपैरिजन वीडियो है दो फेस वॉश के बीच में, जो कि अभी के टाइम में मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। फर्स्ट जो है वो है सिट्रा का एंड जो सेकेंड है वो है ओरिफ्लेम का। तो आइए देखते हैं इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा या आपको कौन सा इनमें से खरीदना चाहिए। तो ये जानने के लिए आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना पड़ेगा पूरा, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो दोनों फेस वॉश हैं ये है ऑयली स्किन वालों के लिए एंड साथ ही साथ जिनको पिंपल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है उन दोनों के लिए, ये उन सभी चीज़ों के लिए ये बेस्ट है। तो ड्राई स्किन वाले से ट्राई ना करें। एक अगर ओरिफ्लेम वाला वो चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बट बहुत सारे मार्केट में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ओरिफ्लेम में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये जो दोनों फेस वॉश है ये पिंपल्स के लिए बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लेंगे सिट्रा को। तो सिट्रा जो है अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, इससे शायद 1 ईयर ही हुआ होगा एंड ये मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है सिट्रा का फेस वॉश। इसके दो वेराइटी मिलेगी आपको इसमें, एक तो ये ग्रीन टी वाला एंड जो सेकेंड है वो कोरियन पिंक पर्ल वाला। तो यहाँ पे हम पिंपल्स की बात कर रहे हैं, ऑयली स्किन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने चूज किया है इसे। ये है जैपनीज ग्रीन टी एंड पिंपल क्लियर फेस वॉश, ये आपके पिंपल्स को हटाएगा ऐसा इसका कहना है। तो हम इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो है 75 रुपीज, और इसका 75 रुपीज में आपको मिलेगा 50 ग्राम। एंड अब अगर हम देखें कि इसके बारे में क्या बोला गया है, तो ये डेली यूज के हिसाब से बनाया गया है। आप इसे डेली यूज कर सकते हैं, आपके फेस के ऊपर आपको थोड़ी सी अमाउंट लेना है, थोड़ा सा एक ड्रॉप लेना है और उसे आपके पूरे फेस के ऊपर अच्छे से मसाज करते हुए नॉर्मल वाटर से धो लेना है। बट अगर आपने इसे यूज़ किया है और अगर नहीं किया है तो अभी सुन लीजिए, जैसे ही आप इसे यूज़ करेंगे आपके फेस के ऊपर, मेरी जो स्किन है वो ऑयली है उसके बावजूद जैसे ही आप इसे ड्राई करेंगे वॉश करेंगे उसके बाद जब आपके फेस को आप ड्राई करेंगे तो हल्की सी आपको एक इचीनेस लगेगी कि हमें कुछ लगाना है हमारे फेस के ऊपर, नहीं तो हमें कुछ ड्राइनेस जैसा लगने लगेगा। तो मेरी तो ऑयली स्किन है उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है, तो सोचिए ड्राई स्किन वाले अगर इसे ट्राई करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। उनको तो इसे जरूर बिल्कुल भी नहीं ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं ट्राई करना चाहिए। हाँ, ऑयली स्किन वाले से जरूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो हम देखेंगे कि इसमें काफ़ी मात्रा में एसिड जो है वो डाले गए हैं जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं हैं। एंड साथ ही साथ इसका जो इस टाइप से जो है ये थोड़ा सा आपको क्रीम बेस्ड दिखेगा, ये आपको क्रीमी दिख रहा है, बट जब भी आप इससे आपके फेस को धोएंगे तो ये आपके फेस के ऊपर मॉइस्चर नहीं छोड़ेगा। जी हाँ, जो कि सबसे ज़रूरी है कि हमें ऐसा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए जो कि हमारे फेस के ऊपर जो ऑयल है उसे एक्सेस ऑयल को निकाले, ना कि पूरे ऑयल को। बट ये जो सिट्रा का जो जैपनीज ग्रीन टी का फेस वॉश है जो कि पिंपल्स क्लियर का दावा करता है, वो आपके फेस के ऊपर जितना भी मॉइस्चर रहता है उसे एक झटके में निकाल देता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फोम है जो आपके फेस के ऊपर लाता है। अगर आप थोड़ी कम क्वांटिटी में भी यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा फोम बनाता है, और जो ज़्यादा फोमिंग वाले जो फेस वॉश रहते हैं वो आपकी स्किन के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि वो आपके स्किन को एकदम से ड्राई कर देते हैं। और इस बात का ध्यान आपको विंटर में और ज़्यादा रखना चाहिए कि आप जो फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा फोमिंग वाला नहीं हो, ज़्यादा फोम ना दे आपके फेस के ऊपर, अदरवाइज आपके फेस के ऊपर जितना भी ऑयल रहता है उसे लेके चला जाएगा पानी में और आपकी स्किन जो है वो खिली खिली और एक ग्लोइंग नहीं रहेगी। तो ये तो बात थी सिट्रा के फेस वॉश की। और अगर इसकी प्राइस वाइज बात देखें, हम की प्राइस के हिसाब से इसको देखें तो ये 75 रुपीज़ में अपने हमें मिल रहा है 50 ग्राम, तो उस हिसाब से ये सही है। बट शायद अभी इसकी प्राइस शायद बढ़ गई है, मैंने जब ख़रीदा था तो मुझे ये 75 रुपीज़ में मिला था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद इसकी प्राइस अभी बढ़ गई है, मैंने तो इसको जब लॉन्च हुआ था तभी लिया था। तो अब हम अगर इसकी एक्सपायरी डेट देखें तो ये है मैन्युफैक्चरिंग डेट से आप इसे 24 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं, जो कि ठीक है।
आप इसे एक 2 साल तक यूज कर सकते हैं। बट अगर हम इसे केमिकल वाइज देखें तो ये अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। अब हम आते हैं ओरिफ्लेम के ऊपर। ओरिफ्लेम आप सभी को पता है कि बहुत पुरानी कंपनी है, करीब इसे 50 साल हो गए हैं और ये यूएस की कंपनी है। और इसके जो प्रोडक्ट रहते हैं वो हर्बल रहते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है तो ये जरूर पता होगा कि एक हर्बल कंपनी है। तो इसका जो फेस वॉश का जो मेन हीरो है वो है नीम, और इसका जो था वो था ग्रीन टी। तो दोनों के जो काम है वो सेम है, दोनों ही आपकी स्किन को अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ पिंपल्स को हटाने में हेल्प करते हैं, एक्सेस ऑयल को हटाने में हेल्प करते हैं। तो दोनों के काम सेम है, नीम हो चाहे ग्रीन टी। एंड ये जो है ये फेस वॉश आपको मिलेगा 229 में, मतलब 229 रुपीज़ में, 229 रुपये में। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 50 ml। तो आप अगर दोनों की क्वांटिटी देखें तो दोनों के सेम है, बट प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क है क्योंकि ये जो है ये एक नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है और ये जो है इसमें केमिकल्स हैं बहुत सारे। तो ये जो फेस वॉश है ये एक जेल बेस्ड फेस वॉश है, देख पाएंगे आप, ये एक जेल बेस्ड फेस वॉश है। उसके बाद भी आपके फेस पर से पूरा मॉइस्चर नहीं हटाता है, ये एक क्रीम बेस्ड फेस वॉश है। उसके बाद भी आपके फेस पे जितना भी ऑयल और जितना भी मॉइस्चर रहता है उसे हटा देता है। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये इतना ज़्यादा फोम नहीं बनाता जैसे कि आपका एक्सेस ऑयल ना निकले, एक्सेस ऑयल निकल जाएगा बट आपका जो पूरा ऑयल है वो नहीं निकालेगा। और हमें यही बात ध्यान रखना है कि हम जो फेस वॉश यूज़ करें वो हमारे फेस पे से एक्सेस ऑयल को निकालें, ना कि हमारे फेस के पूरे ऑयल को। मतलब मॉइस्चर एक थोड़ा सा हमारे फेस के ऊपर बना रहना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी कोई भी फेस वॉश आपके लिए देखें या फिर लेने जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि वो फेस वॉश ज़्यादा हार्श ना हो आपके फेस के हिसाब से, या उसमें ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें ना मिली हों जो कि आपके फेस को नुकसान पहुंचाए। तो ये जो फेस वॉश है ये एक हर्बल फेस वॉश है और साथ ही साथ इसके अंदर ग्लिसरीन भी है। तो ग्लिसरीन आपके फेस के ऊपर एक मॉइस्चर छोड़ता है, और साथ ही साथ इसमें नीम है, तो नीम आपके फेस को अच्छा बनाने में हेल्प करता है। अगर आपको दाग धब्बे या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसे हटाता है। अब अगर हम इन दोनों की में से बेस्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। हालांकि इसमें आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, ये आपको 229 रुपये में पड़ेगा और ये 75 रुपये में। बट अगर प्राइस वाइज देखें तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा अफोर्डेबल है। बट अगर आपके स्किन को ध्यान में रखते हुए हम चूज़ करें तो ये आपके स्किन के लिए बेस्ट है। अभी आपके ऊपर है कि आप कौन सा लेना चाहेंगे, और आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए नीचे कमेंट करके। और मेरे वीडियोज़ को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, टेक केयर।